शादी में देखोगे मुझे मैं क्या पहनने वाला हूँ। उसका चूल तमाम लग रहे भाई, खातर ना काटा पार्लर में जाके। भैया कितना लिया भैया? 2 लाख रुपए लिया बोला। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आज हम लोग गाड़ी से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, क्या बोलते हो काका? आज ये है एपिसोड 2, ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। यहाँ पल्टन बाजार, नेपाली मंदिर चलते हैं, कुछ सामान वामान लेना है क्योंकि शादी में पता है आपको बहुत कुछ लेना होता है। इतना दिन से दौरा दौरी कर रहे हैं हम लोग काका, काका मतलब भैया, हम लोग काका बोलते हैं हम लोग का भैया। इतना दिन से दौरा दौरी कर रहे हैं, मैं भी बहुत दौरा दौरी कर रहा हूँ घर पे बैठे बैठे। लौंडा पतला हो गया, इतना सूख गया, देखिए तो पतला हो गया। हम लोग चलते हैं फिर शॉपिंग में। शॉपिंग मतलब देखो, मजे लो। क्या क्या लेते हैं, क्या लेते हैं दिखाते हैं आपको। कुछ कुछ सामान भी लेना है मतलब शादी का पे, और तो सामान सब चुका है पर और पर्सनल शॉपिंग भी बाकी है। मतलब मैं कुछ भी नहीं लिया, काका मुझे गिफ्ट करेगा बोला, क्या गिफ्ट करता है देखते हैं। 20-25 हजार रुपए का तो मिले, 20-25 हजार, 2-3 लाख रुपए का, 20 रुपए का सॉक्स कुछ गिफ्ट करेगा बोला, 2-3 लाख रुपए का। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर आपको आगे फैंसी बाजार, क्योंकि हम लोग का सबसे लवली मार्केट गुवाहाटी का सिटी का फैंसी बाजार ही है, जो 2000 में सब कुछ आ जाता है। हम लोग फुटफटिया है और हम लोग फुटफटिया है, इसलिए फैंसी बाजार चलते हैं फिर। भैया ये चॉइस के आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कितना छपरी लग रही है, अच्छा लग रहा है। टोटली छपरी। क्या बोलते हो फिड्डूस? हाँ? क्या बोलते हो? क्या बोलेगा आप? कुछ मत बोलिए, कटिंग बढ़िया लगा चूल का आज। सो गाइस, तो नींबू का एक चीज पसंद किया है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्या चीज पीनेगा, क्योंकि शादी में दिखाने के लिए मजा लगेगा, तो वो चीज शादी में आप देख लो ना क्या लगाया बोल के। भाई साहब तो ऐसा, भाई साहब कुछ बोलना चाहते हो आप? कुछ नहीं, मेरे भांजा मैं ना शादी में देखोगे मुझे मैं क्या पहनने वाला हूँ। भाई साहब को शादी में देखिए ना क्या पहनने वाला, तुम और सामान लेने मेरे को भी तो बात। सो गाइस, अभी फैंसी बाजार का भीड़ देखिए, इतना तो भीड़ नहीं है, संडे है ना, लेकिन संडे थोड़ा सा बोलती इतना भीड़ नहीं है। क्या बोलते हैं फिड्डूस? फिड्डूस का चूल तमाम लग रहे भाई, पात्र ना काटा पार्लर में जाके। भैया कितना लिया भैया बोला? 20 रुपए लिया होगा। 2 लाख रुपए लिया बोला तो भैया तो सब कुछ ले लिया, भैया का तो हो गया, मेरा थोड़ा बाकी है। मतलब मुझे मिल नहीं रहा है, मतलब पूरा फैंसी बाजार ढूंढ लिया मुझे मिल नहीं रहा है, क्या लूं मैं? इतना अनकॉमन कपड़ा ढूंढ रहा है तो मिल ही नहीं रहा इतना अनकॉमन। हाँ भैया, अनकॉमन तो हूँ, कौन सा नहीं मिलेगा, मजा नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या लेते हैं, पसंद करते हो तो मिलते हैं फिर। भूख तो बहुत ज्यादा लगा था तो सोचा पापड़ी चाट कर ले। भैया का, भैया फेमस है यहाँ का चाट वाला का, आप लोगों को खाना है फैंसी बाजार गुरुद्वारा का नीचे ही आता है, इनका कॉल लग जाता है। यहाँ फिड्डूस यहाँ का लोकल आदमी है, उसे नहीं पता कहाँ कहाँ क्या मिलता है लेकिन हमें पता है। हमें पता है, उसको ही नहीं पता फैंसी बाजार कहाँ क्या मिलता है, हमें पता है। सोचो भाई, तो मिलते हैं फिर चाट खाने के बाद। यहाँ हम लोग का चाट बन रहा है, आप लोग देख सकते हो। बढ़िया से चाट बन रहा है भैया। तो गाइस, तो हम लोग का आ गया, टेस्ट करके बताते हैं कैसे हमेशा का तरह। इतना बड़ा मुंह में आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ना आराम से चला गया देखो। ये रहा मजा है, मजा। तो गाइस, आपने तो शॉपिंग वोपिंग देख लिया, तो रात का हम लोग फेमस है कुक मैंने हायर किया नौगांव से, आपने तो देखा होगा वो दीदी को, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाता है। पहले भी मैंने दिखाया था आपको बहुत मजा वाला प्रकार का खाना, लेकिन आज तो एक ही प्रकार का खाना बनेगा, वो भी है क्या है देख लीजिए आप। क्या बोलते मोटी भाई? ये चिकन, ये है चिकन। हाँ मुन्नू भाई, किस स्टाइल में बनाओगे आप आज? मुगलाई चिकन। ये देखिए हम लोग दुल्हन को विदाउट मेकअप।